आपको TCS के नतीजे आएंगे। और आज हमने देखा कि TCS शुरुआत अच्छी की, उसके बाद ये शेयर लाल निशान में गया और फिर वहां से करीब करीब 40 रुपए के रिकवरी के साथ 3,937 रुपए का भाव आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, 0.25% ऊपर है। TCS के नतीजे कैसे आएंगे, क्या अनुमान है, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। मुनाफे पर थोड़े से डेंट आने की आशंका है TCS में, लेकिन TCS के अलावा कल जो हमारा फोकस होगा वो होगा SCL टेक पर। SCL टेक को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या TCS के तर्ज पे ही या फिर TCS को जो को लेकर जो अनुमान है क्या उसी तरह के अनुमान SCL टेक को लेकर भी हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अनीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा बताइए, SCL टेक को लेकर क्या उम्मीद है और फोकस कहाँ पर रहेगा? जी हाँ, SCL टेक के नतीजों की बात करें तो थोड़े वीक नंबर्स आने चाहिए इस टाइम। यूजुअली Q1 सीजनली वीक रहता है SCL टेक का, एंड इसी के चलते इस बार भी हम लोग एक डिक्लाइन देख रहे हैं ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। टॉप लाइन पे ऑलमोस्ट 2% तक का डिक्लाइन आएगा कॉन्स्टेंट करेंसी बेसिस में। डॉलर रेवेन्यू में भी हम $3,360 million के आसपास का नंबर मान के चल रहे हैं। रिमेंबर, इस क्वार्टर में यूजुअली एक पास बैक होता है एनुअल प्रोडक्टिविटी गेन का, जो वो क्लाइंट्स को वापस करते हैं, उसके चलते थोड़ा रेवेन्यू डिप होता है। एंड सेकेंडली, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था एक ऑफशोरिंग हुआ है डील का, एक लार्ज डील का BFSI वर्टिकल में, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ऑल्सो आपको याद रहेगा स्टेट स्ट्रीट जो था उन्होंने डाइवेस्ट किया था, उसका भी इम्पैक्ट इसी क्वार्टर में आने वाला है। मार्जिन्स इसके चलते थोड़े वीक रहेंगे क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ ही वीक है, प्लस सीजनैलिटी आता है, तो सब 17% मार्क देख रहे हैं EBIT मार्जिन में। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी लोअर रहेगा क्योंकि टॉप लाइन लो है, मार्जिन वीक है, तो 3,820 crore का हम प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। जो ओवरऑल डील TCV है या डील विंस की बात करें तो $2 to $2.5 billion के बीच में आना चाहिए, जो कि रन रेट रहा है तो उसी के आसपास। एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अपना गाइडेंस मेंटेन करेगा। लास्ट टाइम उन्होंने 3-5% ग्रोथ बोला था टॉप लाइन में एंड 18-19% मार्जिन बैंड बोला था, वो शायद कंटिन्यू होगा। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट कॉमेंट्री अबाउट डिमांड, अबाउट क्लाइंट बिहेवियर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हेड काउंट ट्रेंड्स भी, क्योंकि हमने देखा है बाकी कंपनियों में हेड काउंट डिक्लाइन था, HCL टेक का आगे चल के क्या यू नो आउटलुक है, वो भी फेली इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया अनीशा। तो ये अनुमान मार्जिन पर थोड़ा सा हिट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू भी प्रभावित होगा। डिमांड आउटलुक, ग्रोथ और मार्जिन को लेकर नजर रहेगी और डील विंस किस तरह के आते हैं SCL टेक की तरफ से, ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे क्रूशल जो दोनों कंपनीज में होगा वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री, आगे को लेकर क्या गाइड करती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला वर्टिकल है BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस वाला, वहां पर स्पेंडिंग नहीं हो रही थी और अब ये उम्मीद की जा रही है शायद स्पेंडिंग वहां पर बढ़ेगी, तो इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर IT कंपनीज को मिलने वाला है। लेकिन राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, सर आज हमारे साथ में एक IT एनालिस्ट जुड़े थे, ओंकार टंकसाले, और उनसे हमने ये पूछा कि आपकी पसंद क्या है लार्ज कैप में, तो उन्होंने कहा TCS, इन्फोसिस, SCL टेक, तीनों का नाम लिया। मिड कैप हमने पूछा तो उन्होंने परसिस्टेंट बताया। आप बताइए सर, आपकी रीडिंग क्या कहती है, IT कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं, इस साल भी अंडर परफॉर्मर रही हैं, क्या यहाँ से आपको उम्मीद है कि अच्छे दिन आगे आने वाले हैं, अब बिल्कुल हम दरवाजे पर पहुंच चुके हैं? ये आपने सही कहा, हम बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि देर सवेर ये तो होना ही है कि फेड की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी इंटरेस्ट रेट कट वगैरह की, क्योंकि अगर आप कमेंट्री वगैरह भी देखो जिस तरीका की आई है, या जो वीकेंड पे पेरोल के डेटे आए थे उसको भी देख के लगा था कि शायद सितंबर में रेट कट आ जाए, लेकिन फिर कल जब फेड की कमेंट्री आई तो 2% का उन्होंने कट ऑफ बताया है अपनी इन्फ्लेशन का, उसे देखते हुए लगा कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि देर सवेर रेट कट्स आने वाले हैं, एक बार रेट कट आने चालू हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में वहां थोड़े से चेंजेस आएंगे, और जिसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है खास करके IT की तरफ, वहां हमें समझना लगता है कि पॉजिटिव रुझान आएंगे। दूसरे अगर आप देखो तो जितनी भी दिग्गज कंपनियां, फिर वो चाहे IT में TCS हो या इंफोसिस हो, अपने लोअर वैल्यूएशन के आसपास चल रही है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, अगर कोई 1.5-2 साल का नजरिया लेके चलता है तो बहुत अच्छे रिटर्न बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है ना कि 1.5-2 साल में रेट कट्स आएंगे और एक ऊपर का कर्व बनने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छे हैं, डील विंस आ रही है, बस खाली ये देखना है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे आने वाले दिनों में अक्रॉस ज्योग्राफीज क्या आती है, अक्रॉस वर्टिकल्स क्या आती है,
और सबसे बड़ी बात है जो मेजर डील विंस है उसके बारे में क्या आता है। नंबर्स के बारे में सबका ही अनुमान है कि या तो 2% प्लस आएंगे या 2% माइनस आएंगे। कहीं कहीं पर हायरिंग की वजह से थोड़े से खर्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन जो आपके एट्रिशन रेट थे वो कंट्रोल में आते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर थोड़ी से मध्यम से लंबी अवधि का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही सेक्टर है। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें आने हर साल एक बायबैक आ जाता है जो दिग्गज कंपनियां हैं, तो इन्वेस्टर को खास करके खुदरा निवेशकों को उससे बड़ा फायदा रहता है। तो अगर निवेश की सलाह दी जानी हो तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारा तो पसंद में इंफोसिस ही आएगी, उसके बाद TCS, और सेकेंड रैंक में परसिस्टेंट और इंटेलेक्ट डिजाइन।